देखिए अपने फेवरेट शो सब खेलो सब जीतो के सारे एपिसोड सिर्फ sonylive.com पर जब आप चाहें। Look at it. इस पेंटिंग को देखो, तुम भी देखो। ये पेंटिंग अपने माउथ से खुद बोल रही है कि आओ मुझे गले लगाओ, मुझसे प्यार करो, एंड आई लव इट। दिस टाइम पर डिंग डोंग है मुझे। तो आइए ना सर। सर ये देखिए, सर देखिए ये जो मैंने रंगों का इसमें प्रयोग किया है ना ब्रश का, तो अलग अलग रंग है लेकिन ये एक ही फैमिली के हैं, तो इस बारे में कुछ आप। या जॉइंट फैमिली। हाँ सर यू, अच्छा इसका नजरिया है कि मतलब जॉइंट फैमिली जो आजकल इंडिया में बहुत कम हो गई है, तो गलत बात है, होनी चाहिए, तो उसको हमारी पेंटिंग जॉइंट फैमिली दर्शा रही है। वाह सर क्या पर्सपेक्टिव है। और कुछ और कुछ। तरफ बताइए, तुझे समझाया था ना इतना सब कुछ, फिर भी तूने सब गुड़ गोबर करके रख दिया। तुम्हें बताया था ना वहां जाके बुराई करनी है, तू वहां जाके तारीफ कर रहा था। बोल क्यों किया तूने ऐसा, क्यों किया तूने ऐसा, अब हम भी तेरा कोई काम नहीं करेंगे, जा। नहीं नहीं देखिए क्या हुआ ना, हम इतना डर गए थे कि हम भूल गए कि हमको कहना क्या है। भूल गए? हाँ। सुना भैया आपने क्या कह रहा है, भूल गया था ये। अरे कोई इंसान इतना बड़ा भुड़क्कड़ कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी बात भूल जाए। होले होले से हवा लगती है, होले होले से दवा लगती है, होले होले से दुआ लगती है ना। हाय होले होले चंदा बढ़ता है, होले होले घूंघट उठता है, होले होले से नशा चढ़ता है ना। तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र नु गोली मार यार, है दिन जिंदड़ी दे चार। होले होले हो जाएगा प्यार, चले आ होले होले हो जाएगा प्यार, होले होले हो जाएगा प्यार, चले आ होले होले हो जाएगा प्यार, होले 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 होले। हुआ था क्या? तू मेरा हीरो हुआ था, मैं तेरी आइटम हुआ था। सॉरी भैया मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने आपको अपनी आइटम कह दिया। तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना भैया, और अभी तक शादी नहीं हो पाई है। रो मत ब्रो, रो मत। जब तुम्हारी किस्मत में कोई गर्लफ्रेंड होगी ना, वो तुम्हें सड़क पे खड़ी मिल जाएगी। ऑटो स्टैंड ऑटो ही नहीं है। ओ बिल्लू, भैया ने कहा था कि अगर मुझे कोई गर्लफ्रेंड मिलनी होगी तो वो सड़क पे खड़ी हुई मिल जाएगी, और ये लड़की भी तो सड़क पे खड़ी हुई है। आइए बैठिए, आप भी बैठिए। भैया मेहमान आए हैं हमारी चौकी में। नमस्ते जी। हाय। आप बताइए क्या खाएंगे क्या पिएंगे? हमको तो बहुत भूख लगा है, तो हमें पिज्जा बर्गर मैकरोनी। क्यों ससुराल में आई है जो पिज्जा पास्ता मिक्रीनो खाना मांग रही? और अंकल जी नहीं, इस वृद्धावस्था में रिबन लगा के ऐसा कौन सा कांड कर दिया जो चौकियाने की नौबत आ गई? अरे क्या बात करती हो बिटिया, अरे हमने कोई कांड बांड नहीं किया है छतरी की छांव में। तो छतरी के बाहर करा है। मैडम ये मेरे पर्सनल मेहमान है। अंकल प्लीज आप मैडम की बातों का बुरा मत मानिएगा, ये ऊपर से सख्त है लेकिन अंदर से मोम की तरह है, बहुत अच्छी इंसान है।
आप भी बहुत अच्छी हैं। ए देखो बातें ना करो और हमारे लिए पिज्जा जल्दी से मंगाओ। अच्छा माँ मुंह से कतई देहाती फूट रही और मुंह में ठूसना मांग रही विदेशी माल। हाँ तो सही तो बोल रही है मैडम। दरअसल बात ये कि हम बाप बेटी है ना दोनों फ्रांस से आए हैं। फ्रांस? हाँ फ्रांस। यहाँ रावणपुर में कोई फंक्शन होने वाला है उसमें हमें सम्मानित किया जाने वाला है। अरे आप फ्रांस से आए? Yes! सॉरी अंकल जी माफ करना पर लग ना रहे मतलब बोली आपकी What? ना भाषा और कुछ ड्रेसिंग वगैरह भी फ्रांस की ना लग रही ना लग रहे एकदम ही जौनपुर hey! ना जबलपुर ना आजमगढ़ ना वो साइड के लग रहे। दरअसल बात यह है बेटी के हम लोग दोनों फ्रांस से ही आए हैं लेकिन फ्रांस में रहते हुए भी हम अपने संस्कार अपनी बोली अपनी भाषा जो है ना वो बिल्कुल नहीं भूले छत्र की छाओं में। गुड आई लाइक इट। वैसे अंकल मेरा भी बचपन से एक सपना रहा है कि मैं फ्रांस जाके सेटल हो जाऊं। मुझे एक पंडित जी ने कहा भी अभी थोड़े दिन पहले कि एक लड़की आएगी फ्रांस से और मुझे ब्याह के वहाँ खेच जाएगी फ्रांस में। तो क्या मैं ये रिश्ता मतलब कि तुम मुझसे शादी करोगे? मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ बुलबुल। मैं मुझ जैसा कोई दूसरा लड़का मिलेगा नहीं। मैं छील दूंगा। मैं तेरे को फोड़ डालूंगा। यानी जानता है क्या कौन हूँ मैं? अबे दिखता हूँ शक्ल से भोला भाला लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा गुंडा हूँ मैं। गुंडा पांच पांच जुए के अड्डे मेरे पांच मुंह में देख। पांच जुए के अड्डे मेरे पांच। फ्रांस आना है। कुछ हुआ था क्या? नहीं ज्यादा कुछ खास नहीं बस तू फ्रेंच होते होते रह गया बस। यार वैसे अंकल जी ऐसा कौन सा आप काम कर रहे हैं फ्रांस में कि इंडिया में आपको सम्मानित करने के लिए बुलाया गया? अरे बिटिया हम पेंटर हूँ। अरे आप पेंटर हो? अरे मायसल बोल दो पेंटर। और बताइए ना रावणपुर के तो भाग ही खुल गए कि रावणपुर में इस क्षण में मतलब तीन तीन पेंटर। एक आप पेंटर, एक तो मैं हुई और एक फ्रांस के जो सबसे मशहूर पेंटर है ना फ्रांसीसी साहब वो भी तो आए हुए रावणपुर। हाँ आए हैं ना सनस्क्रीन खत्म हो गई। अच्छा अच्छा आप लोग उन्हें जानते हैं मतलब पर्सनली भी मतलब देखा है मुलाकात हुई है? मैडम का मजाक कर रहे हैं आप? जानते हैं ना यही तो है मशहूर पेंटर फ्रांसीसी हमारे डैडी। क्या बकवास है? ये इंडियन आदमी फ्रांसीसी कैसे हो सकता है मशहूर पेंटर? या हाउ इज द मेरी पड़ोसी ने मुझे कहा ताऊ इज द नहीं, उसने ठीक कहा भैया ये अंकल गलत बोल रहे हैं ना। ज्यादा इज्जत हजम नहीं हो रही है बुड्ढे को लगता है यहाँ बैठ के बकवास बातें कर रहा है। अरे फ्रांसीसी जी यहाँ पे आ भी चुके हैं और हम सबसे मिलके जा भी चुके हैं चौकी में। अरे बिटिया वो है ना कोई धोखेबाज होगा असल में फ्रांसीसी पेंटर तो हम ही है। हाँ देखो हमारा नाम है बबुआ फ्रांसीसी फ्रॉम जौनपुर लेकिन लोग जो है ना हमें सिर्फ फ्रांसीसी के नाम से ही जानते हैं इसलिए लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम जो फ्रांसीसी है यानी कि फ्रांसीसी पेंटर वो कोई फ्रांस का आदमी है छतरी की छाओं में। इतने उम्रदार होकर झूठ बोलते चलिए जाइए यहाँ से। एक मिनट ईद तो फैसला करना पड़ेगा ये असली फ्रांसीसी है कौन। oh, no, no. बोलवाओ फ्रांसीसी पार्ट वन ने। फ्रांसीसी oh,
क्या बात है? फ्रांस एक, फ्रांसीसी दो। भाई यो बाप बेटी हैं, इनका कहना यो है कि फ्रांस से असली फ्रांसीसी आ गया जो कि यो है। और आप हैं डुप्लीकेट। तो जनाब इस बारे में क्या कहना है आपका? नो नो नो, आई है असली पेंटर फ्रांसीसी। हाँ मैडम यही है वो। या मॉम, आप इतने बड़े पेंटर के ऊपर शक कर रही हैं? शक? ना ना, शक ना। मैं शक ना कर रही, मैं तो बस दूध का दूध और फ्रांसीसी का फ्रांसीसी कराना चाह रही हूँ। क्योंकि आप दोनों में से एक है जो असली फ्रांसीसी है और एक है जो फ्रांसीसी ना है और बोल रहा झूठ। और भाई जो झूठ बोल रहा है उसकी तो फिर मैं बोहालत करूंगी, बोहालत करूंगी कि मैप में भी फ्रांस ना दिखेगा उसे। तो उसमें का है? हीरे। एक पेंटिंग आप मेरे डैडी से बनवा लीजिए और एक पेंटिंग इससे। सनस्क्रीन खत्म हो गई। हाँ तो फिर क्या है कि खुद ब खुद पता चल जाएगा ना कि असली पेंटर फ्रांसीसी कौन है छतरी की छांव में है। गोलू कैनवास लगा। पेंटिंग स्टार्ट। हाँ मैडम, हमारी पेंटिंग बन गई। हाँ जी, फ्रांसीसी पार्ट टू जी, आपके लिए क्या अगले महीना आए? नहीं नहीं, मेरे भी हो गई है, फाइनल टचअप कर रहे हैं। फाइनल टचअप तो जी मैं करूँ। माफ कर दीजिए मैडम। मैडम देखिए, दरअसल बात ये है कि हम तो वो दीवार पोतने वाला पेंटर हूँ ना, पर ये दोनों जो है ना, ये जबरदस्ती हमको यहाँ फ्रांसीसी पेंटर बना के ले आए थे। डिस्टेंपर डिंग डोंग है। भाग भाग भाग। तो इसने मुझे कहा था जी, इसने आइडिया दिया था। असल में मैडम, हम में से किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आपके मुंह पर आपको ये कह सके कि आप एक घटिया पेंटर। हाँ मैडम, और आपके इस बकवास शौक को हम लोग और नहीं झेल पा रहे थे मैडम, इसलिए मैंने ये सोचा कि पेंटर फ्रांसीसी बना के किसी और को चौकी में ले आते हैं और वो आकर आपसे ये कहेगा कि आप एक बकवास पेंटर हैं। हाँ, क्योंकि क्योंकि पेंटर फ्रांसीसी की आप बहुत इज्जत करती हैं, अपने आप को उनकी चेली मानती हैं, तो आप उनकी कही हुई बात को नहीं टालेंगी और आप पेंटिंग करना छोड़ देंगी। और हमने ऐसे ही किया मैडम, हम इस पुतैये को पेंटर फ्रांसीसी बनाकर चौकी ले आए, लेकिन फिर गलती से मुझे रास्ते में असली ओरिजिनल मशहूर पेंटर फ्रांसीसी मिल गए जिन्हें मैं गलती से यहाँ चौकी ले आया। ये मेरा बैड लक है मैडम।
और मारी गुड लक कि अपने बचपन के आदर्श को आज अपनी आंखों के सामने मैंने यहाँ देख लिया, जिनकी पेंटिंगें देख देख के बचपन से आज तक सीख सीख के मैं खुद एक पेंटर बनी हूँ। आशीर्वाद सर। अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो, बिल्कुल जीते रहो। लेकिन ई का सुन रहे हम, ई लोग क्या बोल रहे हैं कि तुम बिल्कुल घटिया पेंटर हो? सर मैं तो चाह रही हूँ कि आप खुद देखिए हमारी पेंटिंग्स जो मैंने बनाई हैं, और आप स्वयं फैसला लीजिए और बता लीजिए कि मैं कैसी पेंटर हूँ। वही हमारे लिए डे ऑफ जजमेंट है जी, है नहीं? गोलू। यस मैडम। पेंटिंग्स ला। अरे बस करो बिटिया, बस करो, ये रंगों पे जुल्म करना है ना, बंद कर दो तुम। देखो बेटी एक बात बताते, हर इंसान के दिमाग में ना ढेर सारे सपने होते हैं, उसे वो पूरा भी करना चाहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके वो लायक भी हो। देखो बेटा तुम दिमाग से तो बिल्कुल बिल्कुल पेंटर हो, लेकिन उसके लिए जो गुण होने चाहिए ना वो तुम्हें बिल्कुल नहीं है। हा? तो अब से ये पेंटिंग करना है ना तुम बिल्कुल छोड़ दो, बंद कर दो छतरी की छांव में। अरे दिल छोटा मत करो, भगवान जो है ना भगवान, उसने हर इंसान के अंदर कुछ कला छिपाई होती है, उसे तुम ढूंढो ढूंढो और उसमें ना तुम पारंगत बनो तो तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। हा? चलो चलते हैं छतरी की छांव में। गोपी बिल्लू सॉरी यार, तुम लोगों को हमारी बाइयात पेंटिंगें देखनी पड़ी और झूठी तारीफ करनी पड़ी। कोई नहीं जी कोई नहीं, मैं तो ये कहता हूँ अपना पुलिस का काम बढ़िया जी, मार कुटाई लोगों की तुलाई, ये केस को सुलझाना ठीक है, यही काम है जी अपना बढ़िया पुलिस का। ओ बिल्लू। सन्नी 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 गोलू क्या खा लिया तूने? ओ गोलू उठ जा, हमसे नहीं उठेगा तू। उठ, क्या हुआ? क्या हुआ इसको? कुछ नहीं। नहीं बताओ तो क्या हुआ? बैठो बैठो ना। ओ बिल्लू। हाँ तो भाई बालकों, अगर आपको याद हो तो फ्रांसीसी साहब के कह गए हमारे से, बताओ, आई टेल यू, वो हमारे से यो कह गए कि भाई बेटा अपने अंदर की कला ने ढूंढो, वो कला जो तुम में है और उसमें परांगत हासिल करो। तो आप दोनों को यो बताते हुए मन ने असीम प्रसन्नता की अनुभूति हो रही से है कि वो कला उसका रियलाइजेशन मन ने हो गया, मन ने पता लग गई है कि मारे में वो कौन सी अद्भुत कलास है। वुड यू लाइक टू नो? आई थॉट सो। वो कला है शास्त्रीय संगीत। हेलो, इब 3 घंटे तक मैं तुम्हें अपनी अद्भुत कला से परिचित कराऊंगी, यानी 3 घंटे मैं तुम्हें यो बांसुरी की धुन सुनाऊंगी और आलाप भी गाऊंगी। वेरी
Enjoy. You start? Tata thai. Catch your favorite episodes of FIR only on Sony Live.